अपने बेडरूम में से लौटा हुआ हूँ और मेरी आत्मा शरीर से निकल, पूरी रात ऐसे डेड बॉडी के साथ में लौटा रहा। फिर मैंने घर मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया, तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत डर चुका था ये क्या चीज है, फिर धीरे धीरे इस चीज को आनंद आने लग गया इस चीज में। और संगीता नेहरा जी और राम राजू जी, संगीता नेहरा जी के प्रयास थे स्टार्टिंग में, जो हमारे पांडु पिंडारक तीर्थ है, यहाँ पर पिंड तारक तीर्थ है ये अमावस्या हर महीने यहाँ पे लगती है, और सोमवार की अमावस्या है जो वो यहाँ पे मतलब पिंड तारक के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पे गांव में एक समस्या थी, मतलब पिंड तार जो करते थे ना, पिंडदान करते, तो वो आटे का साइज बहुत बड़ा करके इसमें डाल देते थे, जिसके कारण करोड़ों मछलियां, लाखों करोड़ों मछलियां मर जाती थी। मुझे इस बात का अंदर ही अंदर बहुत रोना आता था कि मतलब आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए और हम कर क्या रहे हैं। तो संगीता नेहरा जी के प्रयासों द्वारा वहां पे पिंडदान के लिए व्यवस्था की गई, और उस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा बहुत कम मछलियां मरी, बहुत सुधार था पहले से। ये चीज देख के मुझे बहुत आनंद की स्थिति हुई। उसके बाद मैंने ध्यान से जुड़ने का निर्णय लिया। ध्यान से जुड़ने के बाद तो आनंद ही आनंदित काया हो जाती है, जिसका आप बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हेलो, हाँ आवाज बिल्कुल आ रही है मैम? सुनाई, हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ जी तो आज का हमारा विषय है तुलसीदल, हमारी एक पत्री जी द्वारा लिखी एक किताब है। हमारा आज का विषय है तापत्रय। कोई भी, मैं हरियाणा में बोल सकता हूँ मैम? बिल्कुल, हेलो, कती हरियाणवी में बोलो, बिल्कुल कती हरियाणवी में, बहुत बढ़िया। हमारा आज का विषय है तापत्रय। तापत्रय का अर्थ है तीन प्रकार के दुख। ताप त्रय का अर्थ है तीन प्रकार के दुख, जो जितने भी नर नारी मानस धरती पर हैं उनकी लाइफ में, उनके जीवन में होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक जीवन में तीन प्रकार के दुख होते हैं। ताप का अर्थ है ताप का अर्थ है दुख। त्रय का अर्थ है तीन प्रकार के। पहला है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप के अंदर हैं हमारे क्रोध, काम, लोभ, जो हम अपने स्वयं की थिंकिंग, स्वयं के जो फालतू विचार हैं, जो हमारे फालतू विचार, जो अनबन हमारे दिमाग में चलती रहती है, वैसे हम जैसे दिमाग मन के कंट्रोल में रहते, तो ये चीजों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये कुल दुखों का 90% है। कुल दुखों का 90% ये है आध्यात्मिक ताप है, आध्यात्मिक दुख है। उसके बाद है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप वो ताप है, आदि भौतिक ताप दुख वो दुख है जो दूसरों प्राणी के, दूसरे जो प्राणी हैं उनके द्वारा हमें मिलता है। जैसे दूसरों के अज्ञान, दूसरों के नॉलेज, जिसको किसी को इससे रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, वो इसके इसके बारे में कभी उन्होंने मतलब उनके पास कोई चर्चा नहीं की, उनका भी मतलब कोई खोट नहीं ला लो, मतलब उनको इतनी समझ नहीं है कि वो इस चीज को समझे, वो उनके कारण हमें 9% जो है दुख मिलते हैं प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में। आदि देविक ताप वे ताप होते हैं, तीसरे ताप जो आदि देविक ताप, जो प्रकृति परिवर्तन करती है। प्रकृति का जो परिवर्तन होता है वो सहन नहीं कर सकते हम, वो आदि देविक ताप कहलाते हैं। इसमें ज्यादा बारिश का होना, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, ऐसे बहुत से दुख हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ये 100% में से कुल 1% है। तो हमारा जो मेन, जो हमारा मुख्य है वो 90% है। 90% आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक दुख, जो फालतू के विचारों के कारण हम पूरी जिंदगी में सहन करते हैं।
काम क्रोध, ये छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जो भी ये फालतू के विचार हैं, इनके कारण हम ये समस्याओं का सामना करते हैं जिंदगी में। अगर इन सभी दुखों से हमको छुटकारा पाना है, प्रत्येक व्यक्ति को त्रिताप, ये तीन प्रकार के दुख हैं, इनसे अगर छुटकारा पाना है तो ध्यान को अपनाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति तीनों दुखों से ग्रस्त है, तो इन तीनों दुखों से ग्रस्त व्यक्ति को दुखों को दूर करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। 90% को खत्म करने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है, नहीं तो फिर दोबारा आना पड़ेगा, वो तो रूल है प्रकृति का। उसके बाद हमारा है ज्ञान अनुमुक्ति। मुक्ति का अर्थ है विमोचन। मुक्ति जैसे हम जिसको मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष स्वर्ग मुक्ति, मुक्ति मुक्ति का अर्थ है ये जो तीन प्रकार के दुख बताए हैं, तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति, तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना ही स्वर्ग है, मोक्ष है। कपिल महामुनि जी द्वारा बताया गया एक सेंटेंस है, त्रिविध दुख अत्यंत, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्त, अत्यंत पुरुषार्थ। तीन प्रकार के दुखों से संपूर्ण विमोचन ही अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। कपिल महामुनि जी ने बताया है कि जो इन तीन प्रकार के दुखों से छुटकारा पा लेगा, जो इन दुखों से ध्यान में, आत्म लाइन में ध्यान में जुड़ने के बाद इन दुखों से छुटकारा मिलेगा, वो असली मोक्ष है, वो असली पुरुषार्थ है। ज्ञानन मुक्ति का अर्थ है ज्ञान से ही मुक्ति, ज्ञान के बिना तो मुक्ति हो नहीं सकती। वो ज्ञान आत्म ज्ञान कहलाता है, जो हमें ध्यान में जुड़ने के बाद हमें पता चलता है। त्रय ताप मतलब तीनों दुखों से रहित स्थिति ही मुक्ति है। और हमारी जिंदगी का ध्यान से जुड़ने के बाद हमारी जिंदगी का उद्देश्य यही रहता है कि हम ये जो तीन प्रकार के दुख हैं, ये तीन प्रकार के दुखों से ही मुक्ति लेना हमारा इस जिंदगी का उद्देश्य है। हम अगला विषय हमारा पंचविंशति। पंचविंशति अर्थात 100 का 5वां भाग, 100 का 5वां भाग यानी 20। पंच का अर्थ हो गया पांच, और विंशति पंचविंशति अर्थात ये 100 का 5% भाग, वो 25 होगी काउंटिंग। ये कपिल मुनि जी हैं, जो मैं हरियाणवी में बोलना चाहूंगा, जो कपिल मुनि जी थे जो ध्यान योग में और बहुत बड़े महर्षि थे, उन्होंने एक संख्या एक सूत्र दिया था, तो 100 का 5वां भाग 25% है, जो वह संख्या पुरुष और प्रकृति का मिलन ही सृष्टि है। सृष्टि ने 25 तत्वों को अपने में शामिल किया है, 5 तत्वों से मिली है सृष्टि। 25 तत्वों को हम कवर करेंगे तो वो सृष्टि काउंट होगी। जीवात्मा एवं अंशात्मा, जीवात्माएं और जो अंशात्मा, जो कणभर की आत्माएं हैं, स्टोन की है, जो ट्री की है, वो हरेक कण में, जैसे बोलते हैं ना हरेक कण में परमात्मा है, तो जीवात्मा जीवात्मा आत्मा ये वो ही चीज है। प्रकृति के 24 तत्व शामिल है इसमें, और जीव का एक तत्व सामने। जीवात्मा प्रकृति में प्रवेश करते ही, जैसे हमने जन्म लिया इस वर्ल्ड में आए, तो हम तीन प्रकार के कपड़े चुन हैं, तीन प्रकार के जो शरीर हैं, तीन प्रकार के जो अवस्थाएं हैं लेके आते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। कारण शरीर में 2 प्रकार होते हैं, सूक्ष्म शरीर है जो 17 प्रकार का होता है, और सूक्ष्म शरीर है वो 3 प्रकार का होता है, स्थूल शरीर वह भी 5 प्रकार के होते हैं, पंचभूत महाभूत। तो इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा सा। कारण शरीर की संख्या 2 हैं। कारण शरीर में है चित्त और अहंकार, जो हमारा किसी से रिलेशन है, कुछ कारण है, हमको अहंकार किसी से
जैसे मतलब किसी से लगाव है या किसी से एटीट्यूड है, तो चित्त, चित्त का, चित्त से अहंकार, ये दो अवस्थाएं कारण शरीर की हैं। सूक्ष्म शरीर की जो 17 अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म शरीर में 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और साथ में बुद्धि, ये 17 हो गए। तन्मात्राएं ये साथ में 17 होगी, पंच महाभूत के सूक्ष्म रूप, स्थूल शरीर की संख्या 5, जो ये हमारी जो हमने आवरण पहना हुआ है, ये बॉडी जिसको हम बोलते हैं साइंस लाइन में, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो ये इस प्रकार भौतिक लोक में भौतिक जीवधारियों की संख्या 25 हो गई है। भौतिक मृत्यु के बाद यह संख्या 25-5 रह जाती है। जैसे हमें जो ये 25 की काउंटिंग है, 25 नंबर है जो ये हमारा, हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस 25 को कम करके 1 पे आना पड़ेगा। आवाज आ रही है मैम? हेलो, ये सर लोग आ रहे हैं? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। भौतिक मृत्यु के बाद जैसे हमारी डेथ हो जाती है, इस डेथ तो मतलब आत्मा की तो कभी होती नहीं, वो तो अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए आती है। भौतिक जैसे हम इस शरीर को छोड़ने के बाद जाते हैं, तो वो 5 तत्व तो यहीं पे रह जाते हैं, 25 में से वो 20 रहेगी काउंटिंग। फिर उसके बाद सूक्ष्म लोक के कारण, सूक्ष्म लोक से जब हम इस से दूसरे लोक में चेंज करते, तो वो 3 की संख्या वो वहां पे खत्म हो जाती है। ये महा मुनि हमारे जो कपिल मुनि जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया सिद्धांत है जो मैं आपको बता रहा हूं। आत्मज्ञान पाने के बाद अहंकार नष्ट हो जाता है, और चित्त की प्रशुद्धि होने के बाद उसकी संख्या 3 में से 2 होने के बाद 1 रह जाती है। तब अद्वितीय पुरुषोत्तम होकर हम परमात्मा बनकर प्रकाशमान होते हैं। ये जो संख्या जब 1 पे चली जाएगी, ये संख्या ध्यान में जुड़ने के बाद ही जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। इसमें जुड़ने के बाद जो ये संख्या 1 पे चली जाएगी, तो हम परमात्मा की तरह प्रकाशवान हो जाएंगे। मतलब जैसे ये देव बोलते हैं, वो होगी, वो अवस्था हो जाएगी। ये कपिल महामुनि जी द्वारा तैयार किया गया मतलब सूत्र है, जिसका सार मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। फिर अगला विषय हमारा तीर्थ यात्रा। तीर्थ, किसी भी तीर्थ, तीर्थ वर्ड का अर्थ, तीर्थ का अर्थ है पार ले जाने वाला, जो लोगों को पार उतार सके वही तीर्थ है। ध्यानी होने के बाद आप स्वयं एक तीर्थ, ध्यान से सांस से जुड़ने के बाद हम एक स्वयं तीर्थ बनने की अवस्था हमारी स्टार्ट हो चुकी है। वेदों में भी ऐसा कहा गया है, जना ये सत्रंती तानी तीर्थयानी, अर्थात किनारे को पार करना ही तीर्थ है। किनारे का अर्थ हम जैसे नॉर्मल बात करेंगे तो किनारा, कौन सा किनारा? किनारा वही हमारे जो 3 दुख हैं, उनमें से 90% जो आध्यात्मिक दुख है, उस किनारे को, उसको छोड़ के अलग होना, उसको छोड़ के अलग होने की अवस्था ही तीर्थ यात्रा ही है, तीर्थ यात्रा है। बुद्ध, भगवान बुद्ध ने, उनकी एक किताब है उसमें बताया है, धम्मपद जो उनके अभिलेख हैं, जैसे वे होते हैं ना, वैसे उनके भी अभिलेख हैं, तो उसमें बताया कि उस किनारे के पार बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, बाकी सब इस किनारे पे ही दौड़ते रहते हैं। तो हम सभी को उस किनारे अचीव करना है, उस किनारे को पार जाना है, और वो तभी संभव है जब हम ध्यान से जुड़ेंगे, सज्जन संगत से जुड़ेंगे, और ध्यान का जितना प्रसार प्रचार करेंगे तभी ये संभव है। अकेला ध्यानी बनना भी
एक बहुत विशेष बात नहीं है, ध्यानी तो बन सकते हैं हम, लेकिन उसका फायदा जो है हम सभी को ध्यानी बनाए, जैसे संगीता जी ने, राजू जी ने, पुत्री सर ने, और पापा मेरे पिताजी ने साथ में लग के जो मुहिम को स्टार्ट किया हुआ है, मैं धन्य समझता हूँ अपने आप को। मुझे इतना अच्छा माहौल मिला कि मैं इतने ऐसे कल्चर में जीवन यापन कर रहा हूँ। सज्जन सांगत्य, सदग्रंथ पठन, ये दोनों ही प्रत्यक्ष तौर पे तीर्थ यात्राएं हैं। जैसे हम अभी मेडिटेशन जूम की क्लास से जुड़े हुए हैं और जो ध्यान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, और सभी ध्यान से जुड़ने के बाद तो सभी सज्जन संगति हो जाती है। और ध्यान के बारे में बात करना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये ही असली तीर्थ यात्रा है। वास्तव में ये ही असली तीर्थ यात्रा है। अगला हमारा विषय है तीर्थंकर गोत्र बंधन। तीर्थंकर गोत्र बंधन, तीर्थंकर का अर्थ है, जैसे तीर्थंकर थे हमारे, तीर्थंकर का अर्थ है आध्यात्मिक अध्यापक। गोत्र का अर्थ है रीति, जो आध्यात्मिक अध्यापक है, जो उनकी जो रीति चली आ रही है, उनके द्वारा जो रीति चली आ रही है, उसको तीर्थंकर गोत्र बंधन। इसलिए तीर्थ गोत्र बंधन का अर्थ है आध्यात्मिक अध्यापकों से बंधन। जैसे हमारी संगीता नेहरा जी हैं, हमारे पत्री सर हैं, राम राजू जी हैं, ये आपस में साथ में जुड़ के इतना, मतलब ये जूम ऐप पे चला रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं इनका, तो ये तीर्थंकर गोत्र बंधन है, तीर्थंकर की अवस्था है, जो वो आगे बढ़ा रहे हैं। आध्यात्मिक अध्यापक जुड़ रहे हैं और हमको ध्यान की लाइन में परिपूर्ण कर रहे हैं। दूसरों का सिखाने का धर्म और कर्तव्य, हम ध्यानी बन गए। ध्यानी बनने के बाद ही मुक्ति नहीं है, ध्यानी बनने के अवस्था है, जो मेडिटेशन सीख लिया, मेडिटेशन किया, 8-8 घंटे किया, 12 घंटे किया, वो अवस्था पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकती। वो अवस्था है जो हम उस किनारे से पार नहीं जा सकते। उस किनारे को पार करने के लिए दूसरे को धर्म या कर्तव्य कह लो, धर्म कह लो, मेडिटेशन, तब तक हम आत्मज्ञान नहीं कराएंगे, दूसरों को ध्यान नहीं सिखाएंगे, तो तब तक ये चीज संभव नहीं है। अगर किनारे के पार जाना तो हमको सभी को ध्यानी और ज्ञानी बनना होगा। वही तीर्थंकर गोत्र बंधन साबित होगा। हर योगी गुरु बनने के बाद दूसरों को गुरु बनाए, मतलब किसी भी, आप एक अध्यापक बन गए, नॉर्मल से एग्जाम्पल, यहाँ पे एक अध्यापक है, तो आपका अध्यापक बनने का सो फायदा तो तभी है जब आप एक स्टूडेंट को भी, जितने आपके स्टूडेंट हैं उनमें से दो चार कुछ, मतलब होने तो मैक्सिमम सभी चाहिए, वो भी आगे जाके, मतलब जो आपका ज्ञान है उसका प्रसार करे, वो तभी इस चीज का फायदा है। गोत्र बंधन इसी बोलते हैं आध्यात्मिक लाइन में। गोत्र बंधन से मुक्त होने के बाद ये जन्म रहित पदवी उपलब्ध हो जाती है, मतलब जन्म मरण का जो सिस्टम है, जन्म मरण की जो प्रक्रिया चली हुई है, उससे हम छुटकारा मिल जाता है। वापिस इस भूलोक में आने की जरूरत नहीं। यजुर्वेद में धीर, यजुर्वेद है जो, उसमें ये शब्द कहे गए हैं, क्षीरायुंति कवियो युगा विंतवते पृथक धीरे देवेशु सुम्या। ये 12 नंबर पे 11 अध्याय के 67वां श्लोक है, 67 श्लोक है। दयानंद जी थे हमारे, उनकी व्याख्या है, विद्वान योगी ध्यानी लोग उपासना के लिए
जो योगी लोग हैं, ध्यानी लोग हैं, उपासना के लिए विभिन्न का उपयोग करते हैं, परमात्मा के साथ साक्षात्कार के लिए, परमात्मा को प्रत्यक्ष तौर पे उपासना के लिए अभ्यास करते हैं। योग का निरंतर विस्तार ही योगी अभ्यासियों का प्रशंसा पाकर ही परमानंद की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमानंद की स्थिति, पूर्ण मोक्ष की स्थिति, बहुत से आध्यात्मिक, जैसे हमारे एक स्टडी है, रेकी की स्टडी है। रेकी स्टडी में हम नॉर्मल बात कर लेते हैं, उसमें नाड़ी वगैरह का होता है शुद्धि के लिए, चक्रास की नॉलेज हो जाती है, चक्रा सफाई, चक्रास होगा, ओरा किसी का ओरा पढ़ लिया, ऐसा कुछ होता है। तो इस सभी से उठ के हमको यहीं तक नहीं सीमित रहना है, इस सभी से उठ के और भी अवस्थाओं को, और भी अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेनी है। योग अभ्यास करते करते ही धीर को प्राप्त होना है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान अर्थात परिपूर्ण ज्ञान, मूल चैतन्य को समझना ही परिपूर्ण ज्ञान है, स्वयं को समझना ही परिपूर्ण ज्ञान है, स्वयं को जानना ही संपूर्ण ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं कहने वाला पदार्थी वह प्रज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो उस जो मैं ही ब्रह्मा हूं, तो हमको ब्रह्मा है जो 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 ऊर्जा है, जो विषयों के रूप में काम कर रही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं। तो उस चीज को खोज करनी है, उसको हम ध्यान के द्वारा हम अपने अंदर इस अवस्था को प्राप्त करना है। तो मैं इसके अंदर एक अपना पर्सनली एक भी बताना चाहूंगा। मैं छोटा, मतलब 8 साल का था, या तब से मैंने हरियाणवी भाषा बोलते हैं ना, सोधी संभाली, तब से मैंने सोधी संभाली। तो मुझे एक प्रश्न था कि मतलब आपका ऊपर का नाम है, जो बॉडी का नाम हो तो आलोक है, जो अंदर बोल रहा है, ये अंदर से जो आवाज आ रही है, ये अंदर से जो इतनी एक्टिविटी है, तो ये क्या है? ये तो एक बार, मतलब ये क्या नाम हो गया आलोक, तो अंदर है वो क्या है? तो मुझे बहुत इसके बहुत ज्यादा मतलब विचार रहते थे, अंदर क्या है, अंदर की नॉलेज कैसे होगी। तो मैंने कभी स्टडी भी नहीं किया था किसी, मतलब बहुत ऐसा कोई माध्यम नहीं था, ऐसा कोई माहौल भी नहीं था कि इसके बारे में नॉलेज हो। ध्यान में जुड़ने के बाद मुझे जिंदगी, जो ये मेरा प्रश्न था, इसका आंसर मिलने लगा है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या, किस चीज को, क्या करने के लिए हम इस धरती पे आए, क्या प्रकृति ने क्या हम उद्देश्य लेके क्या आए थे हम जिंदगी का, और अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी इन उद्देश्यों को एक एक करके समझ के में फिर इन्हीं सभी चीजों को अखंड सूत्र में फिरोगे, हम अपनी जो जो हमारा हुआ था जिस चीज के लिए, उस उद्देश्य को पूर्ति करके ही हमको वापस जाना। और जितना उसके ध्यान ध्यान है, जो ये अमृत बोल सकते हैं हम, अमृत मंथन बोलते हैं ना, अमृत हुआ था तो ये अमृत है, इस अमृत का सेवन करना और आगे इसको फैलाना है, जितना उसके इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में फैलाना है। हेलो, हाँ आलोक आ यस रहे यस, हैं। आ रहे आ रहे, आलोक आपका आ रहे। आलोक कंटिन्यू करो, आपका आवाज आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू। आवाज, मेरा आवाज आ रहा है आलोक? हाँ आवाज आ रही है भाई। नहीं सर, साउंड साउंड क्लियर नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरे को।
सर आपका आवाज, मतलब आपका तरफ से नेटवर्क वीक है आलोक। हेलो, कैमरा बंद करिए, कैमरा देखिए। हेलो, यस यस अभी कैमरा आ बंद रहे करिए। हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं आपका आवाज। हाँ जी मैम, आलोक आवाज आ रहा है तो आपका। मेरे को, मैंने तुलसी दल में जो ये अध्ययन किया था, इसका तो विषय यही था जो मैंने आपको बताया। तो हमको तीनों प्रकार के दुखों से तो यहाँ से मुक्ति लेके जानी ही जानी है, और उसके बाद पंचविंशति जो हमारी संख्या है, उस संख्या को क्रॉस करके जाना है, नंबर एक पे पहुंचना है। और ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति है। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। ये ज्ञान, आत्मज्ञान लेके ही जाना है। और सभी को तीर्थ, तीर्थ बनना है, सभी को तीर्थ यात्राएं करनी है, सभी को तीर्थंकर बन के ध्यान का प्रचार प्रचार करना है। और मैं एक चीज सोचता था, जैसे मैंने एक फोटो देखी, भगवान शिव की फोटो देखी मैंने, और एक बुद्ध की फोटो देखी, भगवान बुद्ध की, तो मेडिटेशन की अवस्था में थे दोनों। तो मैंने देखा, हम इनकी पूजा करते हैं, हम इस चीज को, मतलब इनका जैसे बनने के नहीं सोचते आप, हम ये नहीं सोचते क्या इन्होंने क्या किया, हम बस उस स्वरूप को ही पूजते हैं, हम उन बताए कदमों पे नहीं चलते। ये सबसे बड़ी समस्या यही है, हमको स्वयं को शिव भी बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये ध्यान में ही संभव है। हम देखते हैं भगवान शिव ध्यान लगाए बैठे हैं, मेडिटेशन की अवस्था में है वो, सांस के साथ जुड़े हुए, मतलब मेडिटेशन की अवस्था होती है वो, जो जिस अवस्था में वो बैठते हैं, तो हम भी उस अवस्था में बैठ के क्रिया करो। क्रिया बहुत अच्छी चीज है, क्रिया के साथ साथ में हमको ध्यान भी करना चाहिए। जो आत्मा के तार है, जो कनेक्शन है, जो वो जोड़ेगा वो साफ होती रहेगी। और इसी के विषय में मैंने सोचा, पांडु पिंडारा तीर्थ है जो हमारा, जो जहाँ से स्टार्टिंग की थी ध्यान योग की, तो मैंने सोचा यहाँ पे पिंडदान, पिंडदान होता है, पिंडतारक तीर्थ है ये। यहाँ पे चंद्रमा को अक्षय रोग लगा था, तब उन्होंने तपस्या की थी, ध्यान किया था, तो तब वो ठीक हुए थे। और एक मंकण ऋषि थे जो अपने पूर्वजों का पिंडदान उन्होंने यहीं पे किया था, पहले बोधगया में पिंडदान होता था, फिर उसके बाद उन्होंने यहीं पे किया था। उन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने कसम खाई थी क्या, मैं पूरी पूरी अपनी पूरी एज में कुरुक्षेत्र भूमि है वो स्वर्ग मानी गई है वेदों में, ऐसा मतलब मैंने पढ़ा था उसमें। उन्होंने कहा था मैं इस भूमि से बाहर नहीं जाऊंगा, तो उनके जो पितर हैं उनको दिखाई देने लग जाते हैं, मतलब कि वो पिशाच योनि में प्रवेश करने लग गए हैं। तो उन्होंने, वो बहुत बड़े ध्यानी थे और महात्मा भी थे, उन्होंने भगवान विष्णु की, और मतलब उन्होंने तपस्या की, स्पेशली ये नहीं कहा गया इस देव की, हाँ सूर्य की तपस्या की उन्होंने, उन्होंने सूर्य की अखंड तपस्या की। सूर्य की तपस्या के बाद भी यहाँ पे सूर्य देव हैं जो उनके उन्होंने दर्शन हुए, तो उन्होंने उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे साथ ऐसी समस्याएं हैं कि मेरे जो पूर्वज हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं हम पिशाच योनि में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है पिशाच योनि में प्रवेश करने के लिए। तो उन्होंने अपनी जो समस्या है वो उनको समझाई, बताई समस्या उनको बताई, तो उसका सोल्यूशन उनको यही मिला कि आप यहाँ पे मेडिटेशन ध्यान योग था जो यहाँ पे, फिर उनको समस्या सोल्यूशन मिला कि यहीं पे उनका पिंडदान किया उन्होंने, यहाँ तब से स्टार्ट हुआ है पिंडदान, पहले पांडव फिर उन्होंने किया था। तो मैंने सोचा यहाँ पे जो क्रिया तो सभी करते हैं, मतलब आटा
की गोली बनाना, उसके बाद पिंडदान की क्रिया करना, मंत्रोच्चारण करना, सभी सभी चीजें अच्छी हैं, सभी चीजें ठीक हैं, लेकिन ये तो क्रिया क्रिया हुई ना। आत्म जो आत्मा से आत्मा का मिलना मिलाव था, जो हमका जो हमारा जो जुड़ाव था, हमारा जुड़ाव आत्मा का था। हम जन्म लेते हैं तो किसी न किसी कारण तो आपस में सभी मिलते हैं, तो वो आत्मा का जो जुड़ाव था उस जुड़ाव से हम बहुत दूर हैं। हम यहाँ पे आए, पिंडदान किया, चले गए। तो मैंने ये सोचा है, और पापा जी की भी स्टार्टिंग से यही थिंकिंग थी कि हमारा पांडु पिंडारा तीर्थ सभी का ऐसा हो कि यहाँ पे आने के बाद मंत्र मुक्त हो जाए आदमी। तो मैंने सोचा यहाँ पे स्वरूप के साथ साथ पिरामिड भी डिजाइनिंग की जाए, जो पिंडदान के बाद यहाँ पे अपना सेशन अटेंड करे, ध्यान योग का, ध्यान योग का सेशन अटेंड करने के बाद ही आत्मा का असली जो स्मरण होगा, असली जुड़ाव होगा। क्रिया के साथ में वो होना जरूरी है। हम क्रिया क्रिया को तो साथ में लेते आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण करें, सब करें, लेकिन जो एक चीज हमने पीछे छोड़ दी वो ध्यान है। उस ध्यान से हमको जुड़ना चाहिए, दोबारा से जुड़ेंगे, जुड़ना चाहिए नहीं, जुड़ेंगे, और 100% ध्यान योग से सभी को जोड़े भी गए। मेरा तो उद्देश्य भी जिंदगी का अभी यही बन गया। मैंने 100 के 100 सबसे ध्यान को 100 के 100 मेडिटेशन करके और प्रैक्टिकल वर्क करके, प्रैक्टिकल चेक करके, तभी मैंने पूर्ण जिंदगी में इसको अपनाया है। तो मैंने मैं अपनी चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य ही ध्यान का प्रचार प्रसार करना हो। पिरामिड यहाँ पे नेशनल लेवल का जो सोमवार अमावस्या है, जो पिंडदान के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं दूर दूर से, यहाँ पे मेला भी लगते हैं, मेले वगैरह, उसके साथ भी बहुत ज्यादा प्रसार प्रचार भी होगा, ध्यान का भी प्रसार प्रचार होगा। और जो मैडम संगीता नेहरा जी ने यहाँ पे ध्यान किया था, तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि यहाँ पे हम पिंड करते हैं तो हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं, पूर्वजों की जो लिंग, मतलब पूर्वजों की जो अवस्थाएं हैं, वो बहुत ही, मतलब एक बहुत ही दंडनीय स्थिति में है वो खुद ही, मतलब वो निराश है बहुत ज्यादा, वो रो रहे हैं। अलोक, मतलब मैंने सारी फर्द अलोक, नेक्स्ट स्पीकर भी है आपका बाद में, सो आप 2-3 मिनट में खत्म कर सकते हैं। okay, सर आपका बाद में सरिता दया जी का टॉपिक है, सो सारी फर्दर डिस्टर्बेंस, सो आप 2-3 मिनट में बंद कर सकते हैं आपका सेशन। थैंक यू। ओके सॉरी सर, मैंने कुछ ज्यादा ही शायद टाइम ले लिया। नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा, हाँ आलोक कंप्लीट करो आप इसको प्लीज। हाँ बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें किस तरीके से ध्यान के माध्यम से अपने पूर्वजों से जुड़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप कंप्लीट करो। हाँ तो यहाँ पे मैम जो 15x30 के जो 4 पिरामिड है, उसके बाद 60x60 के और 4 पिरामिड डिजाइन होंगे, और जो छोटे छोटे हैं टोटली मिला के 1000+ पिरामिड हो, ऐसा डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार। मैंने तो, मैं ऐसे नहीं बोल सकता मैंने किया है, मुझको तो, मैं तो सिंपल स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल जॉब भी कर लेता हूँ, लेकिन ये पता ही नहीं अपने आप ही हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझको तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी, 2D 3D की नहीं थी, 2D की थी, तो ऐसा मॉडल तैयार किया, अपने आप ही ये पिरामिड की डिजाइनिंग हो रही है, सब रूप बदल रहा है। तो यहाँ पे पिरामिड वाली बनाएंगे, और युग परिवर्तन करना है मैम, मेडिटेशन को जितना हो उसके प्रसार प्रचार करना है मैम, यही जिंदगी का उद्देश्य है मैम मेरा तो। कुछ मिस्टेक गलती वगैरह रही हो तो मैं सभी से माफी मांगना चाहूंगा, और यहाँ पे थोड़ी साउंड की क्लियरिटी नहीं होगी, यहाँ पे जो ट्रैफिक वगैरह की प्रॉब्लम है, इसलिए बैक की थोड़ी बैकग्राउंड की जो आवाज होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू आलोक जी, आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, हर एक बात को इतना माइन्यूटली, इतना खोल खोल के जो है ना उसको समझाया है, और इतना अध्यात्म इस उम्र में आपके अंदर देख के वास्तव में आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया है आलोक, तो बहुत ही मतलब अच्छी अनुभूति हुई है। और सबसे बड़ी बात, युवा पीढ़ी के लिए जो आपने संदेश छोड़ा है
कि जब आपने पहली बार जो है ध्यान का प्रोग्राम देखा तो आपने सोचा कि भाई यो तो जवान बच्चे के मतलब का तो है नहीं, बुजुर्गों का है। यही भावना हमारे युवा पीढ़ी में अब भी है कहीं कहीं कि भाई हम तो बूढ़े होके जो है ना भजन सिमरन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, और वही जो गोल्डन टाइम होता है, सुनहरा टाइम, वक्त जीवन का सबसे अमूल्य वक्त जो होता है, वही वो खराब कर देते हैं अपना। जैसे हम पछता रहे हैं कि भाई 40 के होकर जब ध्यान में आए, तो बहुत ही रूहानियत और बहुत काबिले तारीफ आपकी जो है ना, जो भी आपने बताया बहुत अच्छा रहा। और आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि भाई आपके अंदर युवा अवस्था से जो है इतना प्रेम रहा, बलि जो है ना द्रवित, और बलि प्रथा और जीव हत्या के प्रति जो आपकी अथाह वेदना है वो भी बस बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं आप। और आपने बताया कि पिरामिड में बैठ के जो है आपके जो दृश्य आपने देखे, यूएफओ देखे, और पिरामिड के ऊपर आपने उनको देखा कि भाई वो घूम रहे हैं हमलावर, और चारों ओर हमारे घर पे पिरामिड बनाया मैम, घर पे पिरामिड बनाया मैम हमने, तो यहाँ पे अलग ही वाइब्रेशन हो गई है। यहाँ पे सुबह पक्षियों का आना और मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना, पूरे गांव में एक स्टार्टिंग हुई है। यहाँ से पिरामिड बनाया तो इसका आप पॉजिटिव इफेक्ट देख सकते हो, पॉजिटिव इफेक्ट देख सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। यहाँ से ट्रैफिक चल रही है तो कोई एक्सीडेंट की संभावना भी नहीं हुई अभी तक, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है। और मैंने इसका एक्सपीरियंस भी करके देखा है, मैंने आवले दो मैंने ट्राई किया, मैं मतलब किसी भी चीज को ऐसे नहीं मानता, जैसे उसके बारे में प्रैक्टिकल शो का तो नहीं देख लगता तब तक नहीं मानता। मैंने एक्सपीरियंस किया, आवले को उसके नीचे रखा, चेक किया ये कितने दिन में खराब हो, कितने दिन में नहीं, तो उसकी मतलब कम से कम एक महीना तक वो खराब नहीं हुआ, प्लस पॉइंट था ये। और इससे रिलेटेड अभी फ्रिज भी बनने लग गए हैं, और पिरामिड की ऊर्जा जितना हम यूज कर सकते हैं उतना अच्छा ही है। और आज के दिन हम जैसे स्टडी कर रहे हैं, युवा पीढ़ी है जो नई नई स्टडी करी है, और स्टडी के कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्टडी का लोड भी इतना है, तो हम साथ में ध्यान करेंगे तो हमारा दिमाग फालतू विचारों की बजाय स्टडी की तरफ ही कंसंट्रेशन होगा और हल्का होगा। बिल्कुल ऐसा मेरा मानना कि साथ में ये मैडम ने साथ में स्कूल में जाके और सभी हरियाणा में तो लहर ही चला दी थी, जींद में तो स्पेशल लहर चला रखी थी, अभी भी है, अभी भी उसको और बढ़ाना है, पूरा आगे भी बनाएंगे। तो स्कूल कॉलेजों में जाके जो आपने ये प्रयास किया ये काबिले तारीफ है मैम, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जब आप जैसे युवा हमारे साथ लगे हो तो इस लहर को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि युवा पीढ़ी का जितना भी सहयोग हमारे साथ सामीप्य रहेगा, हमारे साथ जुड़ाव रहेगा, उतनी ही ये लहर बढ़ती जाएगी। आपके तो बस हमने जितने भी विचार सुने हैं, एक अंतरात्मा को जो शांति सुकून मिलता है ना, वो बस उसकी वर्णन हमारे मेरे पास शब्दों में नहीं है। कितने सारे अनुभव आपने अपने शेयर किए, पत्री जी से जब आपकी पहली बार गंगा किनारे मेडिटेशन हुआ तो आपको रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दी, और अनेक प्रकार की ध्वनियों के भी दर्शन हुए ध्यानियों के, और गोल्डन कलर में भुवनेश्वरी मंदिर भी दिखाई दिया जो उड़ीसा में है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। अमरनाथ की गुफाएं भी सौपन में दिखी, और दिखा के साक्षात आप अपनी डेड बॉडी के पास जो है ना आत्म रूप में बैठे हुए हैं। आपने पांडु पिंडारा के सोमवती मावस के बारे में कितना अच्छा एक शिक्षा हमें दी है कि लोग पिंड दान करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आते थे, और अनेक मछलियों की आत्मा को दुख पहुंचाते थे, तो उसका कहां उनकी जो पितरक हैं, जो जिनके पितर हैं, जिनकी आत्मा की शांति के लिए वो आए हैं, उल्टा पाप करके उनको दुख दे रहे थे, तो उसको रोक लगाई। तो इतना अच्छा लगा कि भाई जो ये सुधार किए हैं ये खुद में ये अलौकिक है। तो अलोक जी बस हम तो इतना सोच ध्यान में जुड़ने के बाद इतना आपने बता दिया, ध्यान में जुड़ने के बाद सभी को ध्यान करके अलौकिक ही बनना मैम,
सभी को ध्यान का प्रसार करना है और अलौकिक ही बनाना सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, द्रौपदी जी ने दो में स्टार्ट किया इसको अलौकिक करके, साथ में बताया कि विद्यार्थियों को, हाँ जी विद्यार्थियों के अध्ययन के, तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और सम अप बाद में करेंगे फिर। ओके दोनों स्पीकर्स का, विजेश मैडम नेक्स्ट आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके ओके मैम, तो अब हम आज के अपने दूसरे वक्ता को लेंगे, हमारे जो है बहन सरिता दैया जी हमारे साथ जुड़ेंगी। अब सरिता दैया जी के बारे में तो क्या ही कहूँ, बस पीएमसी हरियाणवी चैनल का स्वाध्याय स्वाध्याय जो है आज पांचवा हो गया, और पहले के जितने भी स्वाध्याय हुए हैं उनमें सरिता जी ने बस मीसा बरसा दिया था। और जो है सरिता दैया जी एक गृहिणी भी हैं और साथ में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में प्रयोग प्रोग्राम कंपेयर के रूप में कार्यरत हैं। सरिता दैया जी पीएमसी हरियाणवी की इतनी मधुर भाषिणी और हसमुख सी होस्ट हैं कि बस उनकी मुस्कुराहट देख के आत्मा खुश हो जाए। सरिता दैया जी पीएमसी हरियाणवी प्रेम प्रोग्राम ने प्रेम भरी मुस्कान ते सराबोर कर दी है, और इतने बढ़िया तरीके से मुख्य वक्ता के सारे संदेशा ने दोहरा के और पक्का करवा दे है। उनके साथ संगीता मैडम के शब्द तो इसे निकले हैं जनू तो छोटे छोटे घुंगरू एक साथ खनकते हो। तो अब मैं जो है ना अपनी सरिता दैया जी ने आमंत्रित करूंगी। आज वे जो है ब्रह्म ऋषि पत्री जी के गुरु सदानंद योगी जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे, जो कि स्वयं ब्रह्म ऋषि पत्री जी के मुखारविंद से बताया गया है, जिसका किसी पुस्तक में उल्लेख नहीं है। तो बहन सरिता दैया जी आपका स्वागत है। धन्यवाद विजेश जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा गुरुर परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिला। पीएमसी हरियाणवी चैनल के सारे दर्शकों ने सरिता दैया की प्यार भरी राम राम। आज जिस विषय पर बात होगी वो कोई विषय नहीं है, वो सर्वसव है, वो अपने आप ते शुरू हुआ है, उस ते सब कुछ शुरू हुआ है, उसमें सब कुछ खत्म हुआ है। आज मैं बात कर रही हूँ अपने गुरु सुभाष पत्री जी के, गुरु सदानंद योगी जी के बारे में। यानी अगर सुभाष पत्री जी अपने ग्रेट मास्टर हैं, तो सदानंद योगी जी अपने ग्रैंड मास्टर हैं। और मैं यार यह बात भी बताना चाहूंगी कि अब तक सदानंद योगी जी के बारे में कोई लिखित साक्ष्य तथ्य नहीं मिला, या जितनी भी जानकारी जुटाई गई वह सुभाष पत्री जी सर के मुखारविंद से बोली बातें हैं, जिनको पहली बार लिखित रूप में तैयार कराया गया और पहली बार हिंदी में ट्रांसलेट कराया गया। और उसको मैं पहली बार, यो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस गुरु जी के बारे में, अपने गुरु के बारे में अपनी मातृभाषा हरियाणवी में बात करूं। और जो ये मेरे को सौभाग्य मिला है, मैं इसके लिए ये पंक्तियां मना सटीक लागी, इसके लिए मैं इन पंक्तियों में आभार व्यक्त करूंगी। जितना दिया मेरे मालिक इतनी मेरी औकात नहीं, जो भी है कर्म आपका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। जिस त्रिया सुभाष पत्री जी मारे गुरु हैं, उस त्रिया सदानंद योगी जी मारे गुरु के भी गुरु, और वो पीएमसी हरियाणवी चैनल है या पीएमसी ई जो ग्रुप है और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ग्रुप के गुरु के गुरु हैं। अगर पत्री जी की सदानंद योगी जी से पहली मुलाकात की बात करें तो जनवरी 1981 में पहली बार पत्री जी आंध्र प्रदेश के कर्नूल गांव में, कर्नूल जो जिला है, कर्नूल शहर के एक पुराने बस स्टैंड के पास राघवेंद्र लॉन्च है, उसमें मिले थे। और उनके मिलन का कारण रामचन्ना रेड्डी जी हैं। और रामचन्ना रेड्डी जी उस समय एडी पेरी कंपनी में काम करा करते, और जो हमारे पत्री जी थे वो कोरोमंडल फर्टिलाइजर कंपनी में सेल्स प्रमोशन ऑफिसर के रूप में काम करा करते। एक दिन रामचन्ना रेड्डी जी फील्ड वर्क के लिए एक नंदी दियाला गांव के में गए, उड़े उन्हें एक बूढ़ा बडेरा सा आदमी मिला,
बोलिया कि यार एक है ना महाराज आ रहा है, बहुत बड़ा महाराज है, वो चाया गुरु है और मैं उसका चेला हूँ। अरे यह बात रामचंद्र रेड्डी जी ने स्वामी पत्री जी तक बताई। तो पत्री जी बोले भी सा गुरु महाराज है तो उससे तो मिलना चाहिए। तो रामचंद्र रेड्डी जी और स्वामी पत्री जी और वेंकट रतलम जी तीनों मिलकर पत्री जी के पास गए। जहां गए तो वहां सदानंद योगी जी एक कमरे में बैठे और वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें चार पांच आदमी आ सके। और जसदानंद योगी जी ने पत्री जी की तरफ देखा ध्यान था 5 मिनट थी और बोले यार केवल ब्रह्म ज्ञान मिला है, क्योंकि अब तक जितने भी आदमी आया करते कोई कहता मेरी नौकरी लगवा दो, कोई मेरे बालका ने विवाह दो, कोई मेरा ब्याह करवा दो, इस तरह की उल्टी सी दिमाग कराया करते। तो सदानंद योगी जी ने सोचा यो बीसी कोई भटकती आत्मा होगा इसलिए आया है। इससे पहले सदानंद योगी जी कुछ और बोल पाते पत्री जी तपाक तो बोल पड़े स्वामी जी मन ने भी ब्रह्म ज्ञान न चाहिए केवल। तो उनकी तरफ सदानंद योगी जी 5 मिनट तक देखते रहे और उसके बाद उनके मुंह तक ज्ञान की अमृत धारा फूट पड़ी। कदे अरबी में, कदे अंग्रेजी में, कदे तेलुगु में, एक के बाद एक श्लोकम तक आधे घंटे तक ज्ञान की वर्षा करते रहे। और देखो न्यू तो पत्री जी भी सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन आदमी आज तक नहीं था, कोई आदमी नहीं मिला था जो उन्हें प्रभावित कर सके, वो अपने गुरु के रूप में धारण कर सके। लेकिन सदानंद योगी जी के मुंह से जो अमृत धारा बह रही थी ज्ञान की, जो अमृत धारा फूट रही थी, उसमें पत्री जी भी बहन लागे और मन मन में अपना गुरु मान लिया। सदानंद योगी जी के बारे में एक बात पत्री जी ने पता चली कि जीसस क्राइस्ट के समय में जो सदानंद योगी जी उनके गुरु थे उस समय उनका नाम शायद मैंने तो नहीं पता था, शायद आप जी से हमें भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, जीसस क्राइस्ट के गुरु का नाम जॉन धी बाप्टिस्ट था। और वो सदानंद योगी जी थे जिन्होंने उस जन्म में जॉन क्राइस्ट के गुरु के रूप में, जीसस क्राइस्ट के गुरु के रूप में जन्म लिया था। और सदानंद जी के बारे में पत्री जी ने पता चला कि भी ये तो जीसस क्राइस्ट के भी गुरु हैं। तो वो अगले दिन तड़के 7:30 बजे तीनों सदानंद योगी जी रामचंद्र रेड्डी जी, पत्री जी और वेंकट रतलम जी तीनों पहुंच गए। पत्री जी ने उनते बिठाया, बुलाया राम तो बैठ जाओ और अपने हाथ में हाथ फंसा कर अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाओ, अपनी सांसा पर ध्यान लगाओ। वो हैरान भी, कोई ना तंत्र मंत्र, ना कोई जादू टोना, कोई ना विद्या, बिल्कुल सरल साधारण आसान ध्यान का तरीका बताया और तीनों जने ध्यान पर बैठ गए। जो रामचंद्र रेड्डी जी थे उन्हें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, लेकिन पत्री जी ने कोई अनुभव नहीं होया। तो उसका कारण था कि पत्री जी पहले पूर्व जन्म में ही ये सारे अनुभव कर चुके थे और उस टाइम में पत्री जी 6 जिलों के इंचार्ज थे, जिसके कारण उन्हें 25 दिन बाहर के काम पर रहना पड़ा था। केवल 5 दिन वो कर्नवल में रहा करते और कर्नवल में भी फ्रेंड्स क्लब सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। वहां अपने फ्रेंड्स के साथ ताश खेलना, कार्ड खेलना, बैडमिंटन खेलना, कैरम खेलना, लेकिन जब तक वो सदानंद योगी जी के सानिध्य में आए ये सारे काम छूट गए। और वो हमेशा जितना टाइम मिलता सदानंद योगी जी के साथ रहते। अरे योगी जी बिल्कुल आम भाषा में साधारण बोलचाल में चाह पानी पीते पीते ज्ञान की धारा प्रवाहित करते रहते और अपने जीवन के किस्से, अपने जीवन के अनुभव बताते रहते। तो एक बार का किस्सा सदानंद योगी जी ने बताया कि भी एक कर्नवल के पास एक जंगल है और वो अपने साथ 4-5 ध्यानियां ने लेकर और उस जंगल में गए ध्यान करण। सारे ध्यानी भी मौज मस्ती, तो अपने सारा दिन मौज मस्ती करी, वो जो भी ध्यान लगा ध्यानिया की तो ध्यान ही मौज मस्ती है, अपने वो ध्यान कर रहे थे। तो क्या देखा है भी, जब वो खाना खान लगे तो बाघ मतलब शेर आ जा दो और उन्हें देख कर सारे ध्यानी इधर उधर यड़ उड़ लुक गए, जिसने जित जगह मिली। और वो बाघ आकर सदानंद योगी जी से दौरे बैठे और कुछ बात करी और चले गए। और जब वो चले गए, जब वो सारे ध्यानी लिकट लिकट आए तो सदानंद योगी जी हंसने लग गए
ले तुम चले क्यों गए, अगर तुम भी अड़े रहते तो कुछ और बात होती और मजा आता। इस तरह के मतलब साधारण मनुष्य ना चंबित करने वाले किस्से सुनाया करते अपने जन्म के। और हमेशा सदानंद योगी जी के साथ चार पांच चेले रहा करते, उनमें तो पत्री जी भी साथ रहने लगे। और एक बार पत्री जी का भी हैदराबाद से हेड ऑफिस से फोन आया, संदेश आया कि आपकी प्रमोशन होगी और आपने हैदराबाद में रहना पड़ेगा। तो पत्री जी तो स्वामी जी का सानिध्य छोड़ना ही ना चाहते, वो तो हमेशा उनकी संगत में रहना चाहते। उन्हें प्रमोशन लेने तक मना कर दिया कि भी मन प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं तो याडे रहूंगा। तो कुछ दिन बाद फिर संदेश आया भी आपका प्रमोशन आपने तो हैदराबाद आना पड़ेगा, उन्हें फिर मना कर दी। फिर पत्री जी ने बोला कि भी मेरे रहने की व्यवस्था, मेरे परिवार की और स्वामी जी की सबकी व्यवस्था याडे ही करो, मैं याडे पे ही काम करूंगा। और भी देखो सिंसियर ऑफिसर थे भी वो, पत्री जी ने सब मानना थी, उनकी योग्यता का लोहा था, तो कंपनी ने उनकी सारी शर्त माननी पड़ी और पत्री जी को वही प्रमोशन हो गया और वहीं से वो सारा अपना काम करने लगे। एक दिन सन 1983 में योगी जी ने, सदानंद योगी जी ने पत्री जी को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा इब मेरे शरीर त्यागण का टाइम आ गया, तू कितने समाधि की व्यवस्था कर। पत्री जी चुगर देर न घूम काम है, इधर उधर जगह देखे हैं, कोई सी जगह पसंद नहीं आती भी जित समाधि स्थल बनाया जा सके। तो फिर सदानंद योगी जी कह हैं, तू भागन भानागपल्ली, भागन नागपल्ली गांव का गांव है एक, उड़े जा, और उड़े रामचंद्र रेड्डी जी हैं, वो तेरे जगह बतावेंगे। और वो उनके गांव में जब रामचंद्र रेड्डी जी के पास जाऊं, वो जाते ही जगह दे दे हैं और पत्री जी कभी वह जगह पसंद आ जाए। और फिर वो समाधि का टाइम आ गया था, गुरु जी अपने समाधि ले ले हैं, समाधि के लिए उन शरीर त्याग दे हैं, किसी न किसी प्रकार का कोई ऐतराज ना हो, इसलिए पत्री जी एक जो संगीत के गुरु हैं डॉक्टर पाक पिनाक पाणनी जी, उनको भी साथ में रखें और बहुत बढ़िया तरीके से समाधि हो जा है, सारे काम क्रियाकलाप हैं जब वो निपट जा है। और जो 22 अप्रैल 1983 के दिन सदानंद योगी जी ने अपना शरीर त्याग था, समाधि ली थी, उसके बाद हर पूर्णवासी ने, हर पूर्णमासी ने पत्री जी सदानंद योगी जी की समाधि पे जावे। अगर हम सदानंद योगी जी के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं भी, जब वो सदानंद योगी जी 6 साल के थे और वो अरब देश में रहा करते, तो वहां एक महाराज योगी आवे है, तो उस बालक तक कहे हैं भी तू मेरे साथ चलेगा, तो सदानंद योगी जी कह दे हाँ हाँ चलूंगा। तो वो उनके पैर पे था कुछ पानी जी सा तरल चीज गेरा है कुछ, और जिस तक पलक झपकते वो अरब तक भूटान के जंगला में पहुंच जाए। और जब वो देखा भी हम तो जंगल में आ गए, वो 6 साल का बालक, और वो जो योगी जी थे सदानंद योगी जी के गुरु योगी जी, वो हमेशा ध्यान में बैठे रहते। उसने 20 साल तक सदानंद योगी जी तक कोई बात नहीं करी, एक शब्द भी नहीं लिखा, वो सदानंद योगी जी सेवा करते रहते और वो अपने ध्यान में बैठे रहते। और 20 साल के बाद एक दिन सदानंद योगी जी को अपने पास बुलाया, बोले कि मैंने शरीर त्यागना है, मेरा शरीर त्यागने का टाइम आ गया, अनु कहते अपना शरीर त्याग दिया। अब सदानंद योगी जी ने उनकी समाधि बनाई और वो रोन लगे, बोले 20 साल मैंने सेवा करते हो गए, अपना शरीर त्याग दिया, मेरे तो एक शब्द भी ना बोले, रोज आते समाधि पे बैठ कर रोने लग जाते भी, ओ के होया मैं तो न्यू का न्यू रह गया। एक दिन फिर आवाज आई समाधि में तय कि भी तू याड़े तय हिमालय की तरफ जा, उत्तर दिशा में उड़े तो न जाना है। बोला मैं इस आपके शरीर न छोड़कर कितने नहीं जाऊं, मैं याड़े रहूंगा। बोला ना तने जरूर तो जरूर जाना पड़ेगा, तेरा याड़े काम नहीं है, उड़े काम है। और फिर आज्ञा का पालन करते हुए सदानंद योगी जी हिमालय पर पहुंच गए और 70 साल तक हिमालय पर तपस्या करी, वहां अनेक योगी पुरुषों से मिले, उनके सानिध्य में तप करा, ध्यान करा और अपना जीवन 70 साल तक तप में लगा दिए। फिर उनके गुरु का संदेश आया कि दीप तेरा याड़ा काम पूरा हो लिया है, ईब तने भारतवर्ष में घूमना होगा और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होगा। पत्री जी अपना हिमालय तक, कश्मीर, कश्मीर तक राजस्थान के राजा तक मिलते हुए आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पहुंच गए।
और फिर उड़े उनकी मुलाकात, मतलब सदानंद योगी जी 6 साल तक पत्री जी का इंतजार कर रहे थे कि भी पत्री जी आवेंगे और वो मेरी आगे बागडोर में संभालेंगे। इस तरह तय सदानंद योगी जी का जन्म पूरा हो जाए है जो स्वामी पत्री जी ने अपने शब्दों में बताया है। और हम इस कहानी पर अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे पहली शिक्षा तो यह है, वो जो सदानंद योगी जी हमेशा बोला करते हैं कि भी जो ये मांस पिंड है, जो हमारा शरीर है मांस पिंड है, इसको हमने मंत्र पिंड बनाना है, यानी साधना कर करके ध्यान कर करके इसने वज्र के समान मजबूत बना देना है। और जब यो मंत्र पिंड बन जाएगा, रोग शोक हमने फिर कोई चीज नहीं सताओगी, हम मंत्र पिंड बन जाएंगे, वो हमने ध्यान में पूर्ण करेगा। दूसरा एक और उनकी नियम था डू एंड डाई, इसका मतलब है हम जो भी पाण का संकल्प ले ले हैं और जो ध्यान का संकल्प ले रखे इसमें जब तक हम पूर्ण नहीं हो जाते, जब तक अपना काम प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक चाहे हमारा आखिरी दम आ जा, हमने डू एंड डाई तक करना है। मतलब जब तक चाहे हम मर भी जा, मरते दम तक अपने काम में लगे रहना है। तीसरा, पत्री जी ब्रह्म ज्ञानी थी, पत्री जी स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है और उनके सामने जब सदानंद योगी जी आए, भाई अपने तो उन्नत स्थिति में आए और यह जीवन में हमने अपनाना है कि हमारे तो जो भी कोई उन्नत स्थिति में मिला है, जो हमारे तो ज्ञान में आ गए हैं, उसको हमने सम्मान देना है, प्रेम पूर्वक सुनना है और उसके बताए ज्ञान पर चलना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सदानंद योगी जी अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त करी थी, मतलब ध्यान इतनी बड़ी चीज है, इसका हम अपनी इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सके हैं। और यो आज का मेरा वक्तव्य था सदानंद योगी जी के बारे में, मैं आज बोल पाई, मैंने बोलन का मौका मिला, यो मैं अपना सौभाग्य मानू हूँ, क्योंकि जैसा कि पीएमसी टीम ने बताया भी, इब तक भी इस पर कोई नहीं बोला है, इब तक सिर्फ यो भी स्वामी जी के मुंह से निकली हुई बात थी और आज उनने एक लिखित रूप में तैयार करना और एक प्रस्तुत करना, वो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। और उसके लिए मैं संगीता नाराम मैम का आभार व्यक्त करू हूँ, अपनी पीएमसी हरियाणवी टीम का धन्यवाद करू हूँ, सारे मान भैया ने राम राम। बहन सरिता ने अपने रामानंद योगी जी के बारे में इतना संक्षेप में वर्णन किया है, जो एक अनलिखित ग्रंथ के बिना भी एक इतना बड़ा ग्रंथ प्रस्तुत कर दिया कि बस उसके बारे में मैं क्या कहूँ। ये एक, इसको मैं सिर्फ उस अध्यात्म ही कहूंगी, प्रेम ही कहूंगी, कि जो देखो एक बिना लिखे ग्रंथ के बारे में इतना बड़ा ग्रंथ बनाना, इतना सारा, सारी की सारी कहानी जो है ना उनकी, जीवन चरित्र इतना खोल खोल के उन्होंने समझा दिया, जैसे तो पता नहीं कितने सालों से इसका वर्णन होता रहा है। तो बहन संगीता इतने प्रेम से भर के जो है ना, इन्होंने पहले अपना रूहानी शब्द गाया कि जितना दिया मेरे मालिक इतनी तो मेरी औकात नहीं, और फिर रामानंद योगी जी के बारे में बताया कि जब वे नंदी गांव में पहुंचे और गुरुओं का वर्णन किया, रामचंद्र रेड्डी जी के बारे में बताया और पत्री जी के बारे में बताया कि पत्री जी पहले संसारिक सुखों के जो है ना आदि थे, मतलब इनके कार्य कुछ और थे, इनका संसारिक कार्य जो भी थी क्लब वगैरह, लेकिन जब से ये अपने गुरु के सानिध्य में आए तो इन्होंने सभी चीजों को छोड़कर अपने गुरु के प्रेम में अध्यात्म की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को लगा दिया, अपनी दिशा ही परिवर्तित कर दी। और बहन सरिता ने बताया कि हमारे जो इनके जो गुरु थे रामानंद जी, इन्होंने इनको जो है एक इतना बड़ा कार्यभार सौंपा कि भाई आप जो है ना अध्यात्म की ही का ही जो है व्याख्यान करेंगे आप, और उसके चलते रामानंद जी ने अपनी प्रमोशन के लिए भी जो है ना मुंह मोड़ लिया और बार बार इनके लिए आवेदन आते रहे, फिर भी जो है ना वो अपने गुरु प्रेम में, मैं अपने गुरु से विरह नहीं ले सकता, उसी के प्रेम में जो है ना उन्होंने प्रमोशन को भी जो है ना अनदेखा कर दिया, लेकिन बार बार जब आवेदन आते रहे तो पत्री जी ने एक शर्त रखी कि भाई जहां मेरा परिवार और मेरे गुरु जी के
रहने की व्यवस्था होगी तो ही मैं प्रमोशन पे उस जगह पे जाऊंगा। और उन्हें जो है ना इनके इनकी काबिलियत के वसीभूत होकर जो है ना इनकी शर्त माननी पड़ी और सारा प्रोग्राम उनका जो है ना सारी व्यवस्था की। और तब जो है पत्री जी वहां पर अपने कार्यभार पर गए। तो फिर इन सरिता बहन ने बताया कि भाई सदानंद योगी जी के जो गुरु थे योगी जी वो उन्हें 6 वर्ष की आयु में मिले। और 6 वर्ष के बच्चे से कोई ये पूछता है कि बेटा ये दिन दुनिया छोड़कर मेरे साथ आप जंगल चलो, और उस 6 वर्ष के बच्चे ने माँ बाप घर बार किसी का भी मोह नहीं रखा और एकदम से कह दिया हाँ जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और वो जो है 6 साल की उम्र से अपने गुरु के साथ जंगल में चले गए और अध्यात्म करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जाते ही उनके गुरु समाधि में अपना जो है उसमें अध्यात्म में लीन हो गए और उनसे एक भी बात नहीं की 20 साल तक। 20 साल पूरे होने के बाद जब उनके गुरु ने उससे कहा कि बेटा मेरी समाधि के लिए जो है आप तैयारी करो और मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, समाधिग्रस्त होना चाहता हूँ, तो उस बच्चे के दिल पे उस युवा के दिल पे क्या बीती होगी कि भाई 6 साल का आया था 20 साल हो गए एक शब्द भी मेरे को जो है ना बात नहीं करी कदे कुछ बताया नहीं है और अब मेरे गुरु जो है समाधि में लेना चाहते हैं। तो उनके ऊपर बहुत ही मतलब एक कुठाराघात था, एक इतना बड़ा सदमा उनके साथ ऊपर था। फिर भी उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की पालन की और उनकी समाधि स्थल की जो है शुरू कर वो तैयारी की। और फिर उनके जो समाधि रत होने के बाद उनको जो है ना वो रोते रहे वहां बैठ के रोते रहे कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता अब आगे मैं क्या करूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होगा। तो उनके गुरु ने उनको दर्शन दिए और बताया कि बेटा आप जो है हिमालय पर्वत पे जाओ और वहां जाके जो है लोक कल्याण में लग जाओ है। वे गए और उन्होंने अपने गुरु का जो भी उनके शिक्षा थी उन सबको अपने गुरु की इच्छा को पूरा किया। और बहन सरिता जितना आपने व्याख्यान किया इतना तो मैं कभी भी नहीं कर सकती। और लास्ट में जो है बताया कि सदानंद जी ने इतना अध्यात्म कमाया कि उनको इच्छा शक्ति इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त हो गई। एक बहुत बड़ी बात है। हमने तो द्रोणाचार्य उनकी सुनी थी विषम पिता मैं की कि भाई वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो उनके बाद आज मुझे पता सुना है सरिता बहन ने बताया कि सदानंद जी ने इतनी तपस्या इतनी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की थी कि उनके हाथ में मृत्यु भी उनके हाथ में थी और वे अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो बहन सरिता बहुत बहुत आभार। आलोक जी ने तो कमाल करे दिया था पर आपने कति ये कमाल कर दिया। तो आप दोनों का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे पीएमसी परिवार के सामने आए और आपने ऐसे ऐसे वृत्तांत सुनाए हैं कि मेरे तो जो है ना रोम रोम खड़े हो गए। मेरे पास इसके बारे में कोई शब्द नहीं। तो मैडम संगीता जी अब आप संभाले अपनी बात डोर को। संगीता मैम मैं एक बात आपको करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को विजेश मैम से मिला दिया। आज हम पहली बार मिले और फोन पे बात हुई, पता चले हम तो पड़ोस में रह रहे। जब तुम दोनों इकट्ठी बैठी हो मैडम को सरप्राइज देवेंगे और इकट्ठा स्क्रीन शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया है, कति आनंद आ गया। जन यो थरा स्टूडियो है, स्टूडियो में पीएमसी हरियाणवी में तुम जो है अपनी चर्चा कर लाग रहे हो। ये तो स्टूडियो बन गया है। हाँ। एक साथ बैठे हैं। सच में मैम परसों जब सरिता जी होस्टिंग कर रही थी तो मेरे दिल में न्यू आई है भाई सरिता जी इतनी होस्टिंग इतने शब्द कहाँ से ले आए। तो मैं मैडम से जो है ना उनका नंबर मांगूंगी है और उनसे संपर्क करूंगी। तो तभी मुझे जो है ना भार्गव जी का फोन आया कि मैडम आज तो आपने संभालना है। मगर भाई मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ हो नहीं। तो उन्होंने बोले ना जी मैं आपके साथ हूँ और आप करो। तो फिर मैंने जो है ना कॉन्टेक्ट नंबर दिए भार्गव जी ने, मैंने आलोक जी से बात की पहले। तो उन्होंने बताया मैडम मेरा तो पहली बार है। मगर भाई मेरा भी पहली बार है तो घबराना नहीं, कि तू भटकेगा तो मैं बता दूँ।
मेरे को अपना टॉपिक भेज दे। तो फिर उसके बाद जो ना सरिता मैडम से बात हुई, तो सरिता जी ने कही कि भाई मैं तो सेक्टर 8 में कुरुक्षेत्र में हूँ, ये तो कमाल हो गया है? मैं रोज इनके घर के आगे तो ड्यूटी पे जाऊं, और मैंने बेरा नहीं कि हमारी सरिता बहन यहाँ बैठी है। तो फिर मैं भाग ली, मैं कहा चाय का टाइम तो है पर सरिता जी के घर आऊंगी। फिर जो है ना मैं लड़ाई, और जो है ना इतना अच्छा लगा कि इनके पास बैठ के ना जो प्रोग्राम हुआ, तो ये मेरी गुरु रही है आज की इस होस्टिंग की। ना मैं घबरा रही थी कैसे क्या होगा, पर इनकी सारी जो है ना मेहरबानी है कि थोड़ा बहुत संभाल लिया। ये तो इनका बड़प्पन है मैम, आप संभालिए मैम। ये हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। हमने अपने दिल की बात भी कर दी, दिल की बात सीरीज भी हमारा शुरू हो रहा है। जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा, यो हमारा जो 41 दिन का नाच साधना है, उस तक अच्छा फिर हमारी दिल की बात भी आओगी। ये सारी दिल की बात लिखेंगी फिर सबकी, एक एक करके सबकी काटेंगे बार है। तो आज का बहुत बढ़िया था। सबसे पहले आलोक की बात करते हैं। विजेश मैडम कहने लग रही थी यो तो ईसा वो है बालक है, यो तो युवा है ना, ते यो जब बात करन लग रहा था तो इसकी जो शब्द थे इतने भारी थे, एक एक जो शब्द था ऐसे लग रहा था जैसे ऋषि बोलता हो पाछे थे। तो ये तो जो शरीर, हमने शरीर देखना ही नहीं, हमने तो उसका भीतर जाना है कि वो की आत्मा है। हैं, अब मेरे अभी एक बात ध्यान में आ रही थी, अब जितने हम सारे बैठे हैं 84 कोस में जो महाभारत का युद्ध छिड़ा था ना, तो ये हम सारी बाह आत्मा है, ये भी हम लोग कल्याण करण खातर आ रहे हैं। है उस महाभारत में जो कर दिया ना, जब तो तुम कुरुक्षेत्र बैठी और ये पांडु पिंडारा बैठे हैं, है हम जींद में ध्यान फैला रहे हैं, यो सारा 84 कोस का जो एरिया ना हमारी जिम्मेवारी है। आखिर इसमें घर घर गांव गांव यो ध्यान क्यों कर पहुंचेगा, और ये बात आलोक ने कह भी दी, अग भाई यो हमारा कर्तव्य है। जो तीर्थ अलंकार बोले कि भाई हम, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है कि भाई ध्यानी बन जाओ, और ध्यानी बनकर खड़े हो लो और अपना प्रचार करना भी शुरू करो। क्योंकि यो एक काम है, जब महाभारत का युद्ध छुड़ा था तो ठीक है, भगवान कृष्ण ने एक उपदेश दे दिया अर्जुन को और बता दिया, अब उसकी किसकी जिम्मेवारी है। इस युग में हमारी जिम्मेवारी है अक हम इसने घर घर पहुंचावे, और स्वाध्याय अर्जुन ऐसा हमारा जो स्टेज है वो एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम घर बैठे काम कर सकते हैं, है ना। और मैंने आलोक को आज बहुत डिटेल में पहली बार सुना, और मेरे को ये लग रहा था कि ये क्या बोल रहा है, इतनी मतलब डीप इसकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कहाँ से टपक रहा है। मतलब मेरे को अंदर से एक कहते हैं ना कि जो ये आत्म प्रेम जो उमड़ता है, तो मेरे को एक मैंने वर्ड लिखा सोल टू सोल, कि मतलब ये आत्मा से आत्मा का जो एनर्जी हम कन्वे करते हैं, हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं, ये यहाँ पे सभी आत्माएं हैं जो परम आत्माएं हैं जो बैठी हैं। हम तो इसको चलो हम एक बहुत ही भारी शब्द में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत केतु, ये तो चलो हमने किताब में मंत्र के रूप में पढ़ लिए, लेकिन असलियत में तो हम सारी परम आत्माएं हैं। उस महाभारत तो नहीं पहले आए हम सतयुग तक चलन लाग रहे हैं, जैसे कहा कि भाई जो भगवान शिव हैं, है ना, वहां से हमारी शुरुआत ही वहां से सतयुग से है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, कभी ये शरीर मरता है, शरीर ही जन्म लेता है, आत्मा तो सिर्फ शिफ्ट करती है। आप अपने आप का उद्धार करते हो, आगे बढ़ाते हो उस आत्मा का, आगे उसका उद्धार होता है। तो एक बात, और दूसरी बात जो आलोक ने कही कि जो UFO की बात कही, तो ये जो UFO है यानी कि जो एलियंस और अलग अलग हमारे एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, वो हमारे अनआइडेंटिफाइड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, UFO जो है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, कि वो हमारे तो ये जो UFO है ये कहाँ कहाँ आते हैं। आप अगर नेट के ऊपर UFO डालोगे तो ये आते कहाँ हैं, आप ये चेक करोगे कि जहाँ पे जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में ध्यान होता है, जिस घर में आत्मज्ञान की बात बताई जाती है, वहां पे और जिस घर में जैसे अभी बताया लोक ने कि जो पिरामिड है उसमें हम अलग तरह की वाइब्रेशन महसूस करते हैं, तो
तो ये जहां पर इस तरह की बातें होती है, पिरामिड होते हैं, वहां पर ये यूएफओ वहां पे आने लगते हैं, विजिट करते हैं। और इसका मैं आपको एक अपना एक उदाहरण देती हूँ। जब मैं शुरू में 2011 में ध्यान में आई, तो हम एक किसी गुफा में गए थे, मुझे नाम तो अब उसका याद नहीं आ रहा, एक कोई तीर्थ था, उसमें हम गुफा में बैठ के ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते करते जैसे होता है ना कि शुरू का शौक था भाई, ध्यान करके आंख बंद करके बैठ जाओ और फोटो खींच लो। तो अभी जैसे आलोक जब बता रहा था कि भी फोटो में जब खींचने लगा तो वो जा चुके थे, तो लेकिन हम उसमें जब 5-6 लोग थे जो ध्यान करने लग रहे थे, वो हम ध्यान में बैठे तो किसी ने जो है फोटो खींच लिया, ये बैठे हैं। तो वो जो फोटो हमने देखा, घर पे आके देखा, जब मैं वापिस आ गई तो देखा तो उसके पीछे जो है छोटी छोटी रोशनी है। तो ये बात नहीं समझ आई कि भाई रोशनी क्या है। फिर हमने जब मास्टर बात करी, जब मेरा पटाक भैया थे, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं जो मास्टर्स होते हैं, वो खुश होते हैं हमारे से। इतनी सी तो बात है, ये मामू उसने उनने जब खुश करेंगे जब तो वो विजिट करेंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर से जो हमें सच्चाई शुद्धता रहनी है। और दूसरी बात आलोक ने कही भी, ये 25 जो है हमारे जिन तमिल का बने हैं, इनका एक एक काट काट के हमने एक पे पहुंचना है, एक पे पहुंचना है, हमने परमात्मा बनना है बस, और तो कोई बात तो नहीं। तो धीरे धीरे यो भी हमने धीरे धीरे छोड़ना है, जो इतनी बात आलोक ने विस्तार से समझाई। तो आलोक तुम्हारा तो मतलब हम कैसे धन्यवाद करें। और मैं चाहती हूँ कि जब भगवान जी भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो परिवार होता है, ये परिवार ऐसा सोल फैमिली है जहाँ पे पहले डिसाइड होता है। क्योंकि मैं अब एक और अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। जय भगवान जी और हम एक बार खड़े खड़े वहीं पांडु पिंडारा में बात कर रहे थे। जय भगवान जी को भी शायद इस बात का नहीं पता, तो मेरे को पेड़ के आर पार दिखना शुरू हो गया, और जहाँ राघवानंद जी का वो जो आश्रम था, तो मैंने ये बात नहीं शेयर करी है, तो वहां पे 2-3 पेड़ हैं बड़े बड़े। और हम इनकी आत्माओं की बात कर रहे थे कि जब महाभारत में जब मृत्यु हुई, तो बात कौरव और पांडव की है ही नहीं, बात ये है वो कौरव भी बुरे नहीं थे, वो एक पहली क्लास के बच्चे थे जो इस तरीके से तमस में रहने के बाद उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। हमें उसको एक नेगेटिव वे से नहीं देखना चाहिए। पांडव उससे हाई जो सोल होती हैं वो थे, और परम आत्मा जो श्री भगवान श्री कृष्ण थे, वो तो तीनों लोगों के क्या सभी पूरे ब्रह्मांड के जानकार थे। तो कहने की बात ये है कि हम वहाँ पे खड़े थे और हम ध्यान से बाहर आए थे और बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ जो पेड़ के अंदर से एक और जय भगवान के रूप में एक और व्यक्ति हैं वहाँ पे जो वेट कर रहे हैं, और वो पेड़ के अंदर जो है ना ऋषि मुनि बैठे हैं उन सारे पेड़ों के अंदर। अब वो ऋषि मुनि वेट कर रहे हैं कि भाई कद यो हमारा जो पूरा पांडु पिंडारा है, कद यो स्वर्ग बनेगा। और उस स्वर्ग की शुरुआत जो है वो उस दिन पता लग गई थी कि भाई शुरुआत हो गई। कुछ होते हैं जो सूक्ष्म रूप से वहां पे हमारे साथ रहते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर है, जहाँ पे अभी जय भगवान है, आलोक है और इनका पूरा परिवार है, और भी बहुत सारे राघवानंद जी हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़े परमात्मा है वो भी। तो ये बातें तभी पता लगती हैं या तभी समझ आती हैं जब हम ध्यान में आ जाते हैं, हम आत्मज्ञानी बनते हैं। तो ये अब हमारी एक जिम्मेवारी है, जैसे कि आलोक ने कहा कि ये हमारा बहुत बड़ा काम है जो हम इस धरती पे लोक कल्याण के लिए, और के हमारे चार आंख हाथ पर होंगे के न्यारे होंगे के, अगर भाई हमारे कुछ और लटकेगा भाई चार कान आ जाओगे जब हम लोक कल्याण करेंगे। हम तो सीधा जैसे पत्री सर हैं, न्यू हमने भी करना है, तो हमारे न्यू तो है नहीं, अगर भाई की तो हम और की तो घने घुंघरू लटकेंगे जब हम लोक कल्याण करेंगे। बात तो वो है हमारे आमते जी से हैं, उसे हमने लोक कल्याण का काम करना है। और पत्री सर एक बात और कहते हैं कि ये जो युग है, इस युग में जो साधारण मनुष्यों के अंदर ही वो आत्माएं विराजमान हैं, जो परम आत्माएं हैं वो महसूस नहीं होने देती। अब जैसे आलोक जो काम कर रहे हैं, आप सोच सकते हो कि भाई इसने जो काम कर दिया, इसने जो बोल दिया, ये कितने लोगों को, युवा लोगों को नहीं, युवा तो हम कहने की बात करते हैं, लेकिन जब इसका हम
व्यवहार देखते हैं तो हमारे चारों तरफ जो इसके चारों तरफ जो लोग होंगे वो अपने आप ही एनलाइटेंड हो जाते हैं कि भाई देखो भाई इसमें तो छोरे में तो कमाल है, ये तो देख इतना मतलब युवा हो के देखो यो लाग गया इतने पहले है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो पत्री सर कहते कि तुम किसी को छोटा मत समझो, हम वी आर ऑल इक्वल। हाँ तो आलोक थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहूंगी कि तुम आगे भी तुलसी दल का जो तुमने वर्णन किया। मैं आज मेरा रह चुका है, मेरा वो तिब्बत कुछ कमी एक्सप्लेन हुआ मैम, तो मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा। मैंने जो ये अपने मास्टर होते हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक अध्ययन किया, मेरा पेपर था, मेरी बस लो सोच भी थी, कोई बस नहीं थी। मैंने ट्राई किया कि मतलब मेरे जो मास्टर उनसे मैंने आन करके आगे मिलके बोला मतलब मुझे सेंटर पे पहुंचाओ, ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपसे हेल्प जाता हूँ। तो तभी एक गाड़ी आई, उसने मुझको सेंटर के आगे उतार दिया, उससे लिफ्ट भी नहीं मांगी, तो खुद ही बोला मतलब वहां पे जा रहा हूँ, मैं आपको वहां पे उतार दूंगा। मतलब दो तीन बार मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है। और ध्यान में अभी मेरे बड़े भाई हैं जो साथ में बैठे हैं, सुमेर नाम है इनका, तो भी इनकी और मेरी थिंकिंग सेम है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ध्यान तो जुड़ जाएंगे, जुड़ भी गए हैं पीछे ये डेढ़ दो महीने से ध्यान भी कर रहे हैं। तो इनकी और मेरी इस विषय पे चर्चा हुई कि मतलब ये बलि प्रथा है जो ये अंधविश्वास जो चले हुए हैं, तो ये कितना बड़ा कलंक है हमारे ऊपर, कितना बड़ा कलंक है ये जीव हत्या। एक गाय है वो हमको दूध दे रही है, हम गाय को क्या दे रहे हैं, उसको धर्म काम पे कोई काट रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, कोई तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कलंक है। तो ये कलंक मैं चाहूंगा कि आप करके ये यहाँ से जाए अपने। बहुत बढ़िया आलोक, मतलब ये जो तुमने बलि की बात की है ये बिल्कुल हम इस चैनल के माध्यम से इस बात को हम सबका एक कर्तव्य बनता है अगर हम इस आगे लेकर जाए। बलि के ऊपर मैं एक बात बताती हूँ कि मैं जब शतपथ ब्राह्मण पढ़ रही थी तो वहां पे बलि की अश्वमेघ यज्ञ की बात आई थी, तो मेरे गले से वो बात उतरी नहीं। अब भाई न्यू घोड़ा ने बलि दिया करते पहले नहीं हो सकता है, क्यों कितने कितने मतलब हमने किताबों में ये गलत बात थोप दी गई या लिख दी गई, जो हमारे ही जो अपनी जो अपने आप को कुछ अहंकार के रूप में जो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते थे उन्होंने शायद इन बातों को उसके अंदर रख दिया। अब एक मैं दूसरी बात करती हूँ कि बलि की ही बात करते हैं कि जब ये नारियल की उत्पत्ति हुई थी, तो नारियल की उत्पत्ति हुई तो मैं उनका ऋषि का नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि जिनसे इनकी नारियल की उत्पत्ति हुई थी, उससे पहले ये बलि प्रथा जो थी इसको बलि प्रथा कहीं थी ही नहीं अगर असलियत में देखा जाए। आपने देखा अभी नारियल फोड़े हैं, हम नारियल लावे हैं बाजार से खरीद के और वो नारियल फोड़ के हमने कहा कि भाई भाई अब हम इस प्रवेश करते हैं या अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं, तो नारियल का जो है तुमने देखा हो ऊपर बाल हैं, ठीक है, उस तक भीतर फिर यो बाला की तरह अंदर जो है उसकी खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर जो है हमारा ब्रेन, जैसा हमारा ब्रेन है ऐसे ही उसके अंदर भी एक नरम भाग है और उस नरम भाग के अंदर वो पानी है जो हमारे शरीर का पानी है, 80% वो पानी है उसके भीतर है, तो उसके और उसके अंदर वायु भी है। तो ये जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों का स्वरूप ही नारियल है। ये हरीश जोहरी की बुक है, एक धन्वंतरी पुस्तक है और एक प्रतिमा की बुक है जो मैंने आज से लगभग 25 साल पहले पढ़ी थी, तो उस पुस्तक में पढ़ के मेरी आंख खुली है। अग देख हम क्यों कर बावले हो रहे हैं, अगे बलि देवे हैं, है कि ते बकरी की बलि, कि ते गाय की बलि, कि ते कोई सी बलि, वो बेकार के फंड है ये फालतू के जो हमने मतलब बिना बात रच रखे हैं, और ये बात हमें बात समझानी भी चाहिए। और मैं तो चाहूंगी कि आलोक इसके ऊपर हम एक जैसे हम क्वांटम किचन का एक हम लेके आए हैं, इसी तरह एक बलि का भी हम एक सीरीज शुरू करें कि जिसमें तुम इसको प्रोसीड करो और बलि के ऊपर जितने भी हमारी चर्चाएं हैं जो साइंटिफिकली हैं हम उस चर्चाओं को आगे लेके आए। तो हम चाहेंगे कि मैं आपसे फोन पे बात करूंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम
कितने कितने पशु पक्षियों को बचा सकते हैं, है ना। यूं कहेंगे भैरव जी का जाओ और वो शराब पीले हैं, तो कितनी मतलब क्या मतलब बातें हैं जो हम बिना बाती हम उस चीज को करते आ रहे हैं। और जबकि हमारा जब तुमने कहा ना कि बिना एक्सपेरिमेंट के मैं मानता नहीं, महात्मा बुद्ध ने भी यही बोला कि विदाउट एक्सपीरियंस आपको, विदाउट एक्सपेरिमेंट आपको कोई चीज माननी ही नहीं। तो वो ये बात अब हम बलि की जो बात है ये तुम एक बनाओ इसके ऊपर प्रोजेक्ट, और जो हम अपना एनिमल ग्रुप ऑफ एनिमल करते हैं उसमें हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत बड़े लेवल पर इसको लेके जाएंगे। और तुम इसको प्रोसीड करना, जैसे डॉक्टर ख्याति अगर यहाँ पर हैं तो वो क्वांटम किचन को लेके प्रोसीड कर रही हैं, मोनिका है, ऊर्जा है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो क्वांटम किचन को लेके आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ शास्त्रों के माध्यम से हम इसका एक प्लान करते हैं, और 11 नवंबर को जो पत्री सर का जन्मदिन है उसके बाद हम चाहेंगे कि पत्री सर के हाथों से ही इस एपिसोड को हम शुरू करें, लॉन्च करें। ओके, तो बहुत बढ़िया आलोक, दिल खुश हो गया, गति न्यू मजा सा आ गया। ये दो ऋषि हैं, आज नवरात्रि का हमारा लास्ट डे है, तो ये दो मान विभूतियां हैं जो हमने मतलब कतिन्यू हीरे की तरह, मेरे तो तुमने घुंगरू लटकाए थे, मैं कोई नूर लटकाऊंगी थारे। दनवा क्या भाई, कोई नूर जी से है इसे रंग तुम दे रहे हो ध्यान के रंग में, जो हरियाणा हमारा है वो आज सार्थक हो गया। और अब मैं सरिता मैडम, मतलब क्या बात है, क्या बात है, मतलब जब मेला रप्पा की कहानी सुनी थी ना, मैं तो जब तय फिदा होगी नहीं, क्योंकि प्यार होया करे, प्यार जो है मेला रप्पा की कहानी सुनकर मैं तो फिदा होगी थी। क्या हरियाणवी में पूरे इंडिया में जो मेला रप्पा की कहानी बताई सरिता मैडम ने, मतलब शत शत नमन। और आज जो सदानंद योगी जी जो पत्री सर के गुरु रहे हैं उनके बारे में जो आपने इतना विस्तार से बताया, और हमें मुझे भी नहीं पता था कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके जो गुरु हैं वो रहे हैं। सुनी तो थी मैंने बातें लेकिन मैं पूरे तरीके से नहीं सुन पाई थी। और सदानंद योगी जी जैसे आपने बताया कि उनको ध्यान में आने के बाद हमारी मृत्यु खुद ही हम डिसाइड करते हैं, जैसे पत्री जी ने भी डिसाइड किया है कि जब तक पूरी धरती शाकाहार नहीं होगी जब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात होगी कि उनके ऊपर, देखो अब हमारी कितनी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उनके उस सपनों को जब साकार करते हैं तो हम तो उनके साथ हैं। वो बोले भाई बस में बैठ लो, वो बोले अच्छा यूपीएसएस में से जाना चाहते हो, सर बोले जाओ इट्स योर चॉइस। और उसके बाद फिर नहीं कहेंगे भाई मेरी बस में जिसने बैठना बैठ लो, भाई वो तुम्हारी इच्छा है, बस में बैठना है जिसमें पत्री सर चलान लाग रहे हैं उसमें बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो मत बैठो, हमारी चॉइस है, है? तो पत्री सर तो इतना आसानी से मतलब अब जैसे मित्रवत बोलते हैं ऐसे बोल देते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं लेकिन आप जब वो दिल से देखते हो तो तब पता लगता है कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और वो गैलेक्टिक मास्टर है, वो यहाँ के मास्टर है ही नहीं और हम भी नहीं है, हम तो यहाँ पे अपना बस अनुभव करन आए हैं। ईब हमने बेरा पाट किया, लोक कल्याण का काम है तो ईब तो मजे करेंगे, ऐश लूटेंगे हम तो, हैं हम अलग अलग स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कति नजारे मारे हरियाणा के न्यारे होने लग रहे हैं, पूरे इंडिया में नहीं बाहर भी चर्चा होने लग रही है। कल शिकागो तो फोन आया था, वो बोले आपकी नाद साधना तो मतलब दूसरे देशों में भी चर्चा चलने लग रही है, कोई 4:15 बजे जो नाद साधना कराओ हो कमाल की है। तो देखो अब बात ये है क्यों रवि जी, मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि अगर हम कुछ अपने कितनी की 2 घंटे की बात है, हमने 40 साल पहले जिंदगी नहीं होना खो दी है, हमारे 4 हाथ पार थोड़े होंगे लोक कल्याण खातर कुछ न्यारे लटका का होंगे, यो ये चीज है, 2 आंख 2 नाक कान इस धरती पर तो ये है, बेरा नहीं और कितने एलियन में जो यूएफओ की बात करी आ लोग, बेरा नहीं दूसरी धरती पे किसे होंगे 4 आंख 9 नाक होंगे तो देख लेंगे उसने भी है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, मजा आ गया। कहती मेरे ख्याल तो रोटी की तो भूख है नहीं, मन्नत है नहीं, मैं तो खाऊ नहीं।
एक अनाउंसमेंट डीएमसी अच्छा, कल का एक अनाउंसमेंट है, डिजिटल ध्यान यज्ञ राजस्थान हो रहा है कल, तो हम आपको लिंक भेजेंगे, तो उसमें बहुत बड़े बड़े मास्टर्स आ रहे हैं, जिसमें मेरे भी जो मेंटर हैं, जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, 12:30 से 1:30 बजे तक का अमित गोस्वामी सर का लेक्चर है, वो रहेगा इंग्लिश में ही, लेकिन और सारे जितने लेक्चर है वो हिंदी में ही रहेंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप राजस्थान के YouTube पर भी जाके सुन सकते हैं, हमारा YouTube भी ऑन रहेगा, उसमें आप जिस भी स्पीकर को, आपको अंदर से एक इंट्यूशन होती है, आपको ये लगता है कि अच्छा भाई मैं इसका सुन लूं, तो भाई ओपन कर लो YouTube और अपना YouTube ओपन करके और उसके बारे में तुम और जानकारी ले सकते हो। तो बहुत बड़ा जैसे अपना हरियाणा का प्रोग्राम था, ऐसे ही राजस्थान अपना प्रोग्राम कर रहा है, तो आपको भूलना नहीं। हाँ हाँ भार्गव, सेकंड अनाउंसमेंट मैडम, दिसंबर हैदराबाद प्रोग्राम के लिए। हाँ, जो दूसरा ये है कि जो हमारा ध्यान माँ चक्रम होता है हैदराबाद में, इस बार पत्री सर ने कहा कि 500 महिलाएं वहां से जाएंगी, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो भार्गव के फोन पे या मेरे फोन पर, आप अभी मतलब जो अंदर से आ रहा है आप वो करो, लेकिन 21 दिसंबर से ही शुरू होता है, अभी आपके अंदर से इंट्यूशन आई मुझे जाना चाहिए, तो हम मिलके जाएंगे, 20 लोग 15 लोग 10 लोग जितनी जिसकी इच्छा है, वो आप अपनी एक बार सहमति मेरे को भेज दो, उसके बाद फिर एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को भर देंगे, तो आप वो डिसाइड कर लेना किसको जाना है किसको नहीं जाना है। ओके, तो कल सुबह मिलते हैं हम नाथ साधना में। हाँ, कल मैडम का, रजनी दया मैडम का सेशन है सेम टाइम, सो कल के लिए मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कल रजनी मास्टर का स्पीकर रजनी मैडम। रजनी मैडम सुनन लाग रही है, खिड़की तो खोलती नहीं, कल देखेंगे हम मैडम ने कति बढ़िया तरिया ते है। हाँ, छोटा से लास्ट नवीन जी को बुला लेना, नहीं तो मैं सुनूंगी नहीं कल, नवीन जी होने चाहिए कति खंडवे में, जिन्हों आज खंडवा पे रखे आलोक ने, ठीक है। हाँ, कल तो हम मानेंगे नहीं, नहीं हम रूस जाओगे इस यहाँ पे। ओके, जय भगवान जी, थोड़ा कड़क हो जाओ। हाँ, छोटा सा लास्ट अनाउंसमेंट मैडम, तो मैं सबसे पहले संगीता नेहरा मैडम को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्यों मतलब मैं एक छोटा सा एक मिनट में खत्म कर दूंगा मैडम, ये इतना अच्छा बात है, अभी तक सदानंद योगी पुस्तक रूप में नहीं, मतलब सदानंद योगी के बारे में बहुत मतलब एक्सेप्ट पत्री जी और बहुत कम लोगों का पता सदानंद योगी के बारे में। अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी मास्टर को, दिसंबर में ध्यान महाचक्र हैदराबाद में सभी कितना लोग है सभी आओ, उधर से 150 मतलब 250 किलोमीटर दूर में सदानंद योगी का समाधि है, हर गुरु पौर्णमी में पत्री सर स्पेशली सभी लोगों को लेके चलेगा, उतना पावरफुल है, उतना 80 साल हिमालय में मेडिटेशन किया, सो उतना महागुरु समाधि विजिट करने का बहुत कम मौका मिलेगा, सो कितना लोग डीएमसी हैदराबाद संगीता नेहरा मैडम के साथ आएगा ना, वो सभी लोगों का हम व्यवस्था करेगा वो सदानंद योगी समाधि तक लेके जाने का, सो स्पेशल परमिशन हम ले लेगा। सो मैं एक ही लास्ट शब्द बोलना चाहिए, सदानंद योगी गुरु जी 20 साल सेवा किया सदानंद योगी गुरु जी का, तब क्या दे दिया गुरु जी, कुछ नहीं दे दिया, ओनली मार्गदर्शन दे दिया, ज्ञान दे दिया, ऐसा ही सदानंद योगी जी पत्री सर का 1.5 साल पत्री सर सेवा किया, क्या दे दिया, वो फिजिकल रूप में कोई पैसा नहीं दे दिया, जमीन नहीं दे दिया, फिर ज्ञान दे दिया, देखो किधर से किधर कहानी आ गया, वो अरब कंट्रीज में सदानंद योगी का जन्मदिन हो गया, उधर से आंध्र प्रदेश तक वो ज्ञान आ गया, वो आंध्र प्रदेश से आज हमारा पीएमसी राजस्थान में सॉरी पीएमसी हरियाणा में तक आ गया वो ज्ञान, ऐसा ही ये पीएमसी हरियाणा से ज्ञान हमारा प्रपंच है, ये सारा विश्व में पहुंच जाएगा चारों तरफ, मतलब ये अच्छी माध्यम है, सबसे पहले हमारा सदानंद योगी जी कहानी नॉर्थ इंडिया में आ गया, अकेला ओनली पीएमसी हरियाणा में, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच, ये कहानी रियली वेरी गुड स्टोरी, मैं थैंक्स बोल रहा हूँ और एक बार संगीता नेहरा मैडम को और सरिता दया मैडम को और आलोक को सभी पीएमसी हरियाणा की मास्टर्स को धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू भार्गव, हम तैयारी कर लेंगे, कोई इसी बात ना है, यो दिसंबर आया यो जाका है, हम
कति तैयारी करेंगे हम अपनी एक जूम सेशन अलग से कर लेंगे ओके और उस जूम सेशन में हम सब मिलके अपना डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा कट्ठे जाओगे जीत जाना सभी मास्टर जाना है हाँ प्लीज सभी मास्टर्स को विनती है ये है ना पूनम पोद्दार मैडम और संगीता नेहरा मैडम कंडक्ट कर रहे हैं बार बार फोन आ रहे हैं मतलब डिटेल्स के लिए प्लीज दो तीन दिन में आपका सभी डिटेल्स जरूर चाहिए क्यों हमारे पास इतना टाइम नहीं क्यों बहुत पीछे इसका काम है फ्लाइट टिकट्स का रेट देखने का सब कुछ अभी कितना जल्दी से इंफॉर्मेशन मिले ना उतना हमको मनी वाइज सेफ मतलब एवरीथिंग हमको फायदा मिलेगा सो दो तीन दिन में और संगीता नेहरा मैडम नहीं तो मेरा फोन का आपका सारा डिटेल्स जरूर चाहिए थैंक यू मैडम ओके थैंक यू बाय ऑल मास्टर्स बाय मॉर्निंग में मिलते हैं जी चल जाते